नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने बहुत लंबे टाइम से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, तो आज जन्माष्टमी डेकोरेशन से मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। वीडियो इस बार कुछ अलग तरीके का बना रही हूँ। डेली रूटीन में हम जो जो काम करते हैं वो मैं आज झांकी में दिखाने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक देख के बहुत खुशी होती है और लगता है कि हमने जो काम किया है वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये डेकोरेशन हम विंडो पे कर रहे हैं, उस पर मैंने कर्टन लगा के ब्लैक कपड़ा लगा दिया है और उसके बीचों बीच हम एक दुपट्टा लगा रहे हैं और नीचे बैकग्राउंड पे मैंने वेलवेट का कपड़ा बिछाया है और साइड में थोड़ी जगह बाकी थी तो उस पर मैंने वेलवेट का ये कागज़ मिलता है मार्केट में, ये लगाया है। आपके पास कपड़ा ना हो तो आप इस तरह से वेलवेट के कागज़ लगा सकते हैं। और दुपट्टे के दोनों साइड मैंने दो साड़ियों को लगाया है जो लहरिया की साड़ियां हैं, उनको इस तरह से हैंग कर दिया है और उसके बीच बीच में ये आर्टिफिशियल फ्लावर गार्लैंड्स हैं उनको लगा दिया है इस तरह से। और देखिए बीच में हम यहाँ पे एक झूला रख रहे हैं कान्हा जी को झुलाने के लिए। और कान्हा जी की झांकी में तुलसी जी आप साइड में ज़रूर रखिए अगर आपके पास हो तो। इस तरह से और भी प्लांट्स हम यहाँ पर रख रहे हैं और ये कुछ झोपड़ियाँ हैं जो मैंने बनाई थी वो मैं इनको यहाँ पर रख रही हूँ। और एक डॉल को मैंने अच्छे से सजा लिया है गोपी की तरह और उसको हम यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और इसी के पास में हम जो केक होता है उसकी जो नीचे की प्लेट आती है स्क्वायर शेप की, मैंने वो रखी है। और ये एक हैंडपम्प है जो मैंने खुद बनाया है, उसको हम यहाँ रख देंगे। और उसके पास में हम मटकियाँ रख देंगे गोपी पानी भरते हुए हैंडपम्प से। ये एक लालटेन है जिसको हमने साइड में रख दिया है। और मेरे पास ये प्लास्टिक की बाउंड्री वॉल थी जिसको हमने एक झोपड़ी के आगे रख दिया है और एक छोटा सा गुड्डा हम इस झोपड़ी के आगे खड़ा कर देंगे। और इसी तरह कुछ टॉयज हैं मेरे पास, इनको मैं यहाँ पे रख दूँगी। और ये हमने तुलसी का पौधा बनाया है जो दिवाली पे दीपक मिलते हैं, उसी को मैंने कलर कर दिया है। और इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल स्टिक लगा दी है और उसके पास में एक गोपी को बिठा दिया है जो तुलसी जी की पूजा कर रही है। ये एक ब्लैक बोर्ड है जिसपे हमने रंगोली बनाई है और इसके ऊपर ही हम छोटी छोटी कटोरियाँ जो मैंने बनाई है वो उसके ऊपर रख देंगे और इसके पास में एक गोपी को बिठा देंगे। ये गोपी यहाँ पर रंगोली बनाते हुए है। और झूले के दूसरी साइड भी हम एक झोपड़ी रख देंगे और इसके पीछे पेड़ जैसा लुक आए इसके लिए मैंने आर्टिफिशियल स्टिक्स को पीछे रख दिया है एक पोट में रख के। और इसके पास में हम कुछ मटकियाँ रख देंगे और ये कुआ है जो मैंने बनाया था इसको इस साइड रख देंगे। और ये एक गोपी है जिसको हमने तैयार किया है, यहाँ पर हम इसको कुएँ के पास में बिठा रहे हैं जो अपने बच्चे को नहलाते हुए दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम घर में बच्चों को, छोटे से बच्चों को नहलाते हैं उस तरह से देखिए एक छोटे सी गुड़िया को हमने उसके वहाँ पैरों पे रख दिया है। और उसके पास में बकेट रख दिया है और ये मग्गा हाथ में पकड़े हुए, एक छोटी सी साबुनदानी मैंने बनाई है उसको भी हमने इसके पास में रख दिया है। और यहाँ पे हम कान्हा जी की माखन चोरी करते हुए लीला दिखा रहे हैं, वो ऊपर चढ़ के माखन चुरा के अपने सभी दोस्तों ग्वालों को खिला रहे हैं। और इन ग्वालों को हम इनके आसपास बिठा देंगे और ग्वालों के पास हम मटकी रख देंगे और मटकी के अंदर माखन दिखाने के लिए हम उसमें कॉटन रुई रख देंगे। एक गोपी को हम झोपड़ी के पास में बिठा रहे हैं और इसके पास में हम सिलबट्टा रख रहे हैं चटनी पीसते हैं जिससे, यहाँ पे हम सिलबट्टे से चटनी पीसते हुए दिखा रहे हैं। और इसी के पास में हम एक कटोरा रख देंगे, इसमें हम थोड़ा धनिया वगैरह भी रख देंगे बाद में। और इसी के पास में एक छोटे बच्चे को हम खिलौनों से खेलता हुआ दिखा रहे हैं। एक ये वॉकर हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसको मैंने ही बनाया है, इससे बच्चे चलना सीखते हैं। पहले के टाइम इसको क्या बोलते थे मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके पीछे ही हम एक बच्चे को और गोपी को खड़ा कर देंगे।
और एक ट्रॉली जो सामान ले जाने के लिए होती है वो हम पीछे की साइड रख देंगे। और इसी के आगे मैं एक लकड़ी का बॉक्स रख रही हूँ, आप स्टूल चौकी कुछ भी लगा सकते हैं, उसको कपड़े से हम कवर कर देंगे। और आगे भगवान के पास में हम चौकी रखेंगे उनका भोग लगाने के लिए। और यहाँ नीचे मैंने शुभ लाभ लगाए हैं और दोनों साइड छोटे छोटे से आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं। और बीच में हमने एक आसन लगाया है, यहाँ पे हम गणपति को विराजमान करेंगे। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी टोकरी में बाल गोपाल के खेलने के लिए खिलौने रख रही हूँ। और आगे हमने छोटा सा पंखा रखा है भगवान के हवा आने के लिए। और हमारी झांकी में हम जगह जगह पे इन मोर को बिठा देंगे। कान्हा जी के झूले के चारों तरफ में लाइट को लगा रही हूँ, और भी मैंने झांकी में भी चारों तरफ लाइट को लगा दिया है। लाइट से डेकोरेशन बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए रंगोली के लिए जो हमने छोटी छोटी कटोरियाँ बनाई थी उनमें हमने कलर भी डाल दिए हैं। और कान्हा जी के आगे हम उनका भोग भी रख देंगे। जन्माष्टमी पे माखन मिश्री तो भगवान को भोग लगता ही है। और आगे यहाँ पे हम गणेश जी को विराजमान कर दिया है। और कान्हा जी के पास में उनकी गौ माता को जरूर रखिए। और यहाँ पे हमने आरती की थाली रख दी है जिसमें हमने तिलक लगाने का घंटी सब चीज़ें रख दी हैं। और कान्हा जी की झारी भी इनके पास में रख दी है पानी पीने के लिए। हमारा डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। और हमने कान्हा जी को भी देखिए यहाँ पे बिठा दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा आगे और भी इस टाइप के वीडियो देखने के लिए। मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।